यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वहीं SYL के मुद्दे को लेकर इनेलो ने आज पंचकुला में जेल भरो आंदोलन के तहत एक विशाल रैली की। रैली में इनेलो नेता अभय चौटाला ने इनेलो और BSP कार्यकर्ता को संबोधित किया और उसके बाद भारी संख्या में इनेलो और BSP कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। अभय चौटाला ने कहा कि 1 मई से जेल भरो आंदोलन शुरू किया था और आखिरी जेल भरो आंदोलन 17 जुलाई को भिवानी में जाकर खत्म करेंगे और उसके बाद SYL नहर का निर्माण नहीं हुआ तो वो अगली रणनीति बनाकर इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। अभय चौटाला ने हुड्डा को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। अभय चौटाला ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के पाकिस्तान को पानी न देने के बयान पर भी निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि आज भी सतलुज का पानी पाकिस्तान जा रहा है और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी और देश की प्रधानमंत्री मायावती होंगी। BJP का अंत आ चुका है।